चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ साथ इस घंटे का बटन भी दबाइए और हमेशा डीटीएच टीवी गाइड चैनल के साथ रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी गाइड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा डीडी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स में अगर कोई भी अनवांटेड चैनल हो, यानी कि जो चैनल आपको नहीं चाहिए वो डीडी फ्री डिश के जो सेटअप बॉक्स है उस सेटअप बॉक्स में ट्यून किया हुआ है, तो उस चैनल को आप कैसे डिलीट करेंगे। और मैं आपको एक नॉर्मल डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स से ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ जो मैक्सिमम यूज़र्स यूज़ करते हैं। आप स्क्रीन पे फॉलो कीजिए, देखिए यहाँ पे 251 चैनल दिखा रहा है। आप जानते हैं कि इतना चैनल डीडी फ्री डिश पर नहीं है, ये चैनल जो है वो रिपीट हो गया है। रिपीट आप जैसे ही ऑटो स्कैन करते हैं आपके सेट टॉप बॉक्स में रिपीट चैनल आ जाता है, 100, 200, 300, 400 ऐसे। तो उस अनवांटेड चैनल को आप कैसे डिलीट करेंगे यही हम दिखाएंगे। इसके लिए आप रिमोट का मेनू बटन प्रेस करके एडिट प्रोग्राम में जाएंगे। उसके बाद एडिट प्रोग्राम में देखिए डिलीट वन प्रोग्राम, डिलीट ऑल प्रोग्राम, मूव प्रोग्राम और कैंसिल। आप डिलीट वन प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस चैनल को आपको डिलीट करना है उसको ओके प्रेस करना है, उस पर ओके प्रेस करना है तो वो चैनल रिमूव हो जाएगा। देखिए मैंने ओके मैंने प्रेस किया, देखिए रिमूव हो गया। फिर से ओके प्रेस करना है, ये देखिए ये भी रिमूव होएगा। ये देखिए आप ओके प्रेस करते जाइए और चैनल अपने आप रिमूव होता जाएगा। और सबसे और एक आसान तरीका है इस चैनल को रिमूव करना, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चैनल है रिमूव करने के लिए, तो आप लास्ट नंबर चैनल पे चले जाइए। एकदम लास्ट नंबर पे चैनल पे चले जाके देखिए मेरा है 240 लास्ट नंबर पे जाके। अब हमें जो रिमोट का ओके बटन है वो हमें कंटिन्यूस प्रेस करके रखना है, तो अपने आप चैनल जो है वो रिमूव होता जाएगा और चैनल जो है वो कम होता जाएगा। ऐसे करके जब आपके जो सारे चैनल है, जो अनवांटेड चैनल है वो डिलीट हो जाएंगे, तो तब आप मेनू बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका जो चैनल है वो उसका लिस्ट है वो सेव हो जाएगा और फ्रेश चैनल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चैनल को डिलीट कर सकते हैं जो चैनल आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए मेरा जो चैनल लिस्ट है 137 तक मेरा फ्रेश चैनल है और उसके बाद से जो सारे चैनल थे वो रिपीट सेव हो गए थे, मैंने दोबारा ऑटो स्कैन किया था उसकी वजह से, और सारे चैनल को मैंने आप रिमूव कर दिया है। अब सिर्फ मेरे पास फ्रेश चैनल ही बचे हैं 137 तक। अब मेनू बटन प्रेस करके हमें इसे सेव कर लेना है, उसके बाद मेरा जो ये चैनल लिस्ट है वो पूरा फ्रेश हो जाएगा और हम देख सकते हैं डिलीट, ये देखिए सेव हो गया है। और डिलीट ऑल का ऑप्शन जब आप प्रेस करेंगे पूरा चैनल डिलीट एक साथ हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको मैंने जब जो प्रोसेस दिखाया वही प्रोसेस को फॉलो करना है। वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को नए दिख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप सब अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।